नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल रुद्रा इंस्पिरेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप YouTube पे नया चैनल बनाने की सोच रहे हो, या आपका हाल ही में आपने चैनल बना रखा है, महीने दो महीने पहले ही चैनल बनाया है, या फिर आपका पुराना चैनल भी हो चुका है और मोनेटाइज भी हो चुका है, तो वो डीमोनेटाइज ना हो जाए, ऐसी कोई परेशानी ना हो, इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि YouTube ने जो है काफ़ी नई पॉलिसीज़ जो है YouTube लेके आया है, जिसके तहत जो है डीमोनेटाइज भी चैनल हो सकता है अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो, या फिर अगर आपने नया चैनल बनाया है तो किस तरीके से आप जो है इजी प्रोसेस में उसको आगे तक लेके जा सकते हो, आपको कोई परेशानी ना हो, इन सभी कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको कुछ एक बातें बताऊंगा, अगर उन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपका चैनल जो है कंटिन्यू फॉरवर्ड रहेगा, आगे तक जाएगा। और इन बातों का आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो अपना चैनल जो है सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। जितने भी मेरे नए दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप नया चैनल बनाना चाहते हो, नया चैनल बनाने की सोच रहे हो, चाहे आप अर्निंग के लिए आपको जो है पैसा कमाना है यूट्यूब के जरिए, या फिर फेमस होना है कि आपके चेहरे को लोग बाग जो है जाने देखे पहचाने आपको, किसी भी तरीके से आप अगर आप यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हो, या फिर आप लोगों को जानकारी देना चाहते हो, आपके पास जो जानकारी है नॉलेज है उसको फॉरवर्ड करना चाहते हो यूट्यूब के जरिए, तो किसी भी तरीके से अगर आपने चैनल बनाया है और उसको आप मोनिटाइज करना चाहते हो, तो मोनेटाइज करना पहले जितना आसान नहीं रहा जितना आज से 8-10 साल पहले था। क्योंकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा मोबाइल्स नहीं थे और इंटरनेट भी काफ़ी महंगा था, तो यूट्यूब को भी जो है ट्रैफिक की ज़रूरत थी कि लोग बाग आए वहाँ पे और देखे, यूट्यूब को सर्च करें। तो कोई भी बंदा उस टाइम पे अपना चैनल बनाता था, उन्होंने वेरीफाई किया, वीडियो डाल दी, सिंपली उस पर एड स्टार्ट हो गई, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, अर्निंग आपकी स्टार्ट होगी। लेकिन जैसे जैसे जो है इंटरनेट सस्ता हुआ, लोग मोबाइल्स खरीदने लगे, मोबाइल्स भी ज़्यादा होते गए, यूट्यूब का ट्रैफिक बढ़ता गया, तो ऐसे में यूट्यूब ने जो है 10,000 व्यू का टारगेट जो है नए अपने चैनल पार्टनर के लिए रखा, नए क्रिएटर के लिए रखा, कि अगर आपके चैनल पे 10,000 व्यूज़ हैं तो तब आपके चैनल को हम रिव्यू करेंगे, उसको मोनिटाइज कर पाएंगे। तो 10,000 व्यूज़ लाना भी दोस्तों ज़्यादा बड़ी बात होती नहीं है, वो भी अपना जो है व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करके, इस तरीके से जो है फेसबुक वगैरह पे, या अपने यार दोस्तों से ही सब्सक्राइब या व्यूज़ जो है खुद ही चैनल पे देख के व्यूज़ लाना कोई बड़ी बात होती नहीं थी। 10,000 व्यूज़ आपके आ जाते थे ईजीली, वो चैनल भी मोनिटाइज होने लग गए। लेकिन जैसे ही इंटरनेट और सस्ता हुआ, तो अब क्या हुआ कि कोई भी बंदा जो है आज से 10 से 12 साल का लड़का भी जो है मोबाइल लेके रखता है, तो व्यूज़ यूट्यूब ही सबसे ज़्यादा सर्च होता है अगर वीडियो आपको देखनी है तो। तो ऐसे में कोई भी वीडियो बनाया डाल दिया, कहीं से भी वीडियो बनाया डाल दिया, न्यूज़ के लिए आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके बहुत से एंकर हो रखे हैं, कहीं पे भी लाइव चल के अपने जो है अपने चैनल पे अपनी वीडियो डाल दिया, तो इस कंडीशन में जो है यूट्यूब के ऊपर ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि बोगस जो वीडियो होती है, जो जिनका कोई टीम नहीं होता, जिनसे कोई जानकारी नहीं होती, ऐवे वीडियो बनाई उठाई और डाल दी, तो ये सारा बिल्कुल छटनी कर दी है जो है यूट्यूब ने, कि ऐसे कोई भी चैनल जो है यूट्यूब पे ना आए, और जो जिनको ज़रूरत है, जो एक्चुअल में कुछ सिखाना चाहते हैं, अपनी नॉलेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं और जिनसे लोगों का कुछ फ़ायदा हो, ऐसे ही चैनल यूट्यूब पे रहें। इसके लिए 2018 में, मैंने 2018 अप्रैल में आई थिंक चैनल बनाया था, और 2018 जनवरी के आसपास जो है यूट्यूब ने अपनी नई पॉलिसी लॉन्च की, जिसके तहत आपके चैनल के ऊपर कम से कम 1,000 वाच आवर टाइम, सॉरी 4,000 वाच आवर टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर होने जरूरी हैं, जो कि एक डिफ़िकल्ट काम है। अगर ये होगा और 1 साल का टारगेट भी जो है यूट्यूब ने दे दिया कि 1 साल के टारगेट के दौरान ही अगर आप अचीव कर पाते हो तभी आपके चैनल को मोनेटाइज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। मेरे साथ ही बहुत से दोस्तों ने चैनल बनाया था कॉमेडी, जैसे अमित भडाना और बीवी के वाइन जैसे चैनल उन्होंने बनाए थे, लेकिन वो टाइम टू टाइम वीडियो नहीं डाल रहे थे, इस वजह से जो है उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया, अब उनका चैनल जो है बंद है। तो कुछ एक बातें मैं आपको बताऊंगा जिसके तहत आपको परेशानी नहीं होगी, कंटिन्यू आपके वीडियो को वो अपने चैनल को जो है ऑपरेट करने में, अपने चैनल को आगे तक ले जाने में, तो इन बातों का आप खास ध्यान रखिएगा दोस्तों।
ये YouTube की कंडीशन भी है। सबसे पहले तो आप थीम सेलेक्ट कीजिए, आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो। अगर आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अनबॉक्सिंग वगैरह, जैसे मेरा चैनल है तो उसी से रिलेटेड ही वीडियो आप डालें। कोशिश करें दाएं बाएं की वीडियो ना डालें, कहीं की भी एंकरिंग उठा के उस पर ना डालें, क्योंकि जो आपके चैनल के ऊपर जो ट्रैफिक आता है, आपके चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं वो आपको के चैनल पे इसलिए आए हैं ताकि उससे रिलेटेड ही वीडियो वो देख पाएँ, इसीलिए उन्होंने जो है चैनल को सब्सक्राइब किया। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा, थीम सेलेक्ट कीजिए, उसी से रिलेटेड आप वीडियो डालिए, दाएँ बाएँ से वीडियो ना डालें। इसके बाद आपको अपने चैनल पे कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ये नहीं कि थीम तो आपने सेलेक्ट कर लिया, आप डाल भी उसी तरीके से ही वीडियो रहे हो, लेकिन कभी कभार आपने डाल दिया, 2 महीने में एक वीडियो डाल दी, 4 महीने में एक डाल दी, या जो है महीने में ही एक वीडियो डाल दी इस तरीके से, या 2-2 महीने तक चैनल जो है खोल के देखा नहीं। ये गलती मैंने भी की थी, हालांकि कोई परेशानी मुझे हुई नहीं क्योंकि सारा कुछ ठीक था, थीम वगैरह मेरी सारी कुछ ओके थी, तो मुझे कोई ज़्यादा परेशानी हुई नहीं। लेकिन इस परेशानी से आपका सामना ना हो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटिन्यूटी अपने चैनल पे जो है आप बना के रखें, ताकि नए जो अपडेट्स आ रहे हैं यूट्यूब के, अब यूट्यूब जो है हर महीने जो है नए अपडेट्स अपने उस पर लेके आ रही है अपने क्रिएटर्स के लिए। तो आप कंटिन्यू अगर खोल के देखते रहोगे तो इस परेशानी से बच पाओगे और आपका चैनल जो है आगे तक जा पाएगा। अपनी वीडियो पे अपने आप क्लिक ना करें, अपनी वीडियो को अपने आप ना देखें बार बार खोल के, या फिर उस पे जो ऐड आ रखी है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है या मोनेटाइज ना भी है तो भी आप उस चैनल को, अपने वीडियो को जो है बार बार ना देखें। इससे आपका वॉच टाइम बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि आपका CTR जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपके चैनल को मोनेटाइज होने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में जो है व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक वगैरह पे शेयर करके लोगों को बता सकते हो, ताकि इजीली आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए। लेकिन अगर मोनेटाइज हो जाता है, रिव्यू के लिए आपका चैनल चला जाता है, 1 साल के दौरान आपके 4,000 वाच आवर भी कंप्लीट हो जाते हैं, तो कोशिश करिएगा मोनेटाइज होने के बाद आप ऐसी कोई वो ना करें कि ये व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूट्यूब जो है देखता है। अगर आपके चैनल पे उनका फोकस हुआ और उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो है आपके व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, अगर यूट्यूब से ही आपका ट्रैफिक आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोनेटाइज होने के बाद आप ऐसी गलती ना करना कि बार बार जो है अपनी हर एक वीडियो को जो है कहीं पर भी शेयर कर दिया जाए, हर एक वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह पर शेयर कर रहे हो। यूट्यूब से ही ट्रैफिक को आने दो, वही सबसे ज़्यादा बेटर है। आज नहीं तो कल, महीने में, 2 महीने में आपके चैनल पे व्यूज़ आएंगे, क्योंकि यूट्यूब जो होता है वो भी रिकमेंड में डालता है आपकी वीडियो को, जो रिलेटेड वीडियो होती है। अगर कोई उससे रिलेटेड कोई सर्च करता है तो आपकी वीडियो भी सर्च में जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि व्यूज़ बाद में आए, महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद आने लगे, क्योंकि मेरी भी कुछ एक वीडियो थी जो स्टार्टिंग में मैंने डाली थी, उस पर व्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन कई वीडियो जो है बहुत अच्छी चली है। अब कुछ ही वीडियो ऐसी हैं जिन पे बहुत व्यूज़ कम है, लेकिन लगभग हर एक वीडियो पे जो है व्यूज़ काफ़ी अच्छे जा चुके हैं। जो भी वीडियो आप बना के डालें उसका थंबनेल जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से डालें, क्योंकि थंबनेल जो है वीडियो को वायरल करने में काफ़ी मदद करता है। तो उसके थंबनेल पे आप ध्यान दीजिएगा, जब भी वीडियो डालें तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी उसके बारे में लिखें, और साथ ही उसके में जो टैग का ऑप्शन होता है, टैग में भी उससे रिलेटेड बातें लिखें, अपने चैनल का नाम लिखें, ताकि जो है कोई भी बंदा अगर सर्च करे उस तरीके से तो आपकी वीडियो भी जो है सर्च में जाए। तो थंबनेल का, टैग का और डिस्क्रिप्शन का काफ़ी ध्यान रखें, इससे आपकी वीडियो को वायरल होने में काफ़ी जो है मदद मिलेगी। तो आई थिंक नए यूट्यूबर के लिए ये स्टार्टिंग की जो बातें हैं, अगर आप इन्हीं का ही ध्यान रख लोगे तो आपका चैनल जो है इजीली मोनेटाइज हो पाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपका अपना जो है चैनल पे थीम का ध्यान रखना है, एक ही थीम में आपने वीडियो बना के डालनी है, कंटिन्यू वीडियो बना के डालनी है, चाहे आप वीक का बना लीजिए, चाहे पर डे का बना लीजिए, चाहे 3 दिन 4 दिन में एक वीडियो डालिए, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखिए ताकि ट्रैफिक आपके चैनल पर जो है बना रहे। स्टार्टिंग में आप शेयर वगैरह कर सकते हो, लेकिन मोनेटाइज होने के बाद आपको ऐसा काम नहीं करना है। अब तो यूट्यूब ने और भी ज़्यादा कंडीशन बना रही है, उनके लिए भी मैं आपको जो है वीडियो बना के डाल दूंगा, कोपा वगैरह की, चिल्ड्रन प्राइवेसी एक्ट वगैरह के भी, काफी जो है हर महीने जो है यूट्यूब नया अपडेट जो है अपना दे रहा है। लेकिन इतने ज्यादा इसमें घबराने वाली भी बात नहीं है, अगर आप कंटिन्यू ईमानदारी से काम करते हो तो आपका चैनल जरूर मोनेटाइज होगा। मैंने जो 3-4 बातें बताई उनका आप ध्यान रखोगे, नए यूट्यूबर खासकर, तो आपका चैनल डेफिनेटली जो है मोनेटाइज होगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो जो है अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।